हेलो एवरीवन, नमस्कार। पढ़ें इंग्लिश बी एंड एमए कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैंडरिटन नोट्स। क्वेश्चन क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ द फ्रेंच लोन वर्ड्स। फ्रेंच जो है लोन वर्ड लिया गया किसमें? इन इंग्लिश में। इस लोन वर्ड्स इन इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें फर्स्ट टाइम होंगे तो। आइए देखिए, आते हैं। ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंस, जितने भी प्रभावित चीज़ें हैं और बोरोविंग जो उधार लिया गया है इन इंग्लिश, इंग्लिश में द फ्रेंच इज द मोस्ट पॉपुलर। फ्रेंच इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? प्रसिद्ध, फेमस है। आइए देखते हैं हम। एक्चुअली इंग्लिश हैज़ द मोस्ट हेटेरोजेनस, मतलब क्या होता है? पूरा मिक्सचर मिला हुआ है। एंड मोस्ट वेराइड, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से वोकेबुलरी में है, शब्दकोश में है। दिस वास्ट वोकेबुलरी इन इंग्लिश इंक्लूड्स अ लार्ज प्रोपोर्शन, पूरा बड़ा में अनुपात में किया गया है ऑफ फॉरेन वर्ड्स, मतलब क्या होता है? विदेशी शब्द को लेके, फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा को लेके। द चीफ एमंग द लैंग्वेजेस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मच टू द इनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी आर फ्रेंच। यहाँ क्या क्या आते हैं देखिए, फ्रेंच है आपका, लेटिन है और स्कैंडिनेवियन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सामने ही लेके आ रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करें इंग्लिश टू हिंदी। द न्यू कंडीशंस ब्राउट बाई द नॉर्मल कन्क्विस्ट, नॉर्मल जो कन्क्विस्ट लाया गया था, ओपन द डोर, खोला गया फॉर ए ग्रेट फॉरेन वर्ड्स, बहुत ही बड़ा एक विदेशी शब्द को लेके। द फ्रेंच अपर क्लासेस टूक इन टू देयर हैंड्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। यहाँ पे फ्रेंच में अपर जो ऊपर क्लासेस के थे उसे लिया गया और उसके साथ उसके हैंड्स को, जितने भी चीज़ें, और मैनेजमेंट किया गया ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को। विच द रिजल्ट दैट ए होस्ट ऑफ मिलिट्री वर्ड्स केम फ्रॉम फ्रांस, कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। सम ऑफ दिज मिलिट्री वर्ड्स आर, क्या क्या देखिए, वार है, पीस फॉर्म लड़ाई, पीस शांति, बैटल मिलाई होता है, आर्म्स में हथियार, आर्मर, बैनर, एजवेल्ट। देखिएगा फिर है आपका सोल्डर, ठीक है, सोल्जर है, सर्जन मतलब होता है हवलदार, लेफ्टिनेंट है, नेवी एंड ट्रूप्स एक्सेट्रा। द नॉर्थ ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हुए थे द इंग्लिश लॉ विच वाई नेचुरली इन देयर हैंड्स। वर्ड्स आर जस्टिक, जज, ज्यूरी मतलब न्यायिक, कोर्ट, सूट मतलब मुकदमा, प्लीड, सेशन, क्राइम, ट्रेटर, डैमेज, ट्रेटर मतलब क्या होता है? देशद्रोही, डैमेज, प्रॉपर्टी संपत्ति, पेनल्टी लेना, किसी को फाइन करना, प्रिजन। ये देखेंगे नेक्स्ट है आपका, देर आर ए गुड नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, ये बहुत अच्छे फ्रेंच वर्ड्स थे, विच रिलेट करता है उसको, प्लेजर को, खुशियाँ को, एन्जॉयमेंट्स, पास्ट टाइम एंड फैशंस को। द जनरल फॉर्म स्पोर्ट हैज कम फ्रॉम फ्रेंच, कहाँ से आया था? फ्रेंच। इट इज शॉर्ट एंड फ्रॉम डिस्पोर्ट। द फ्रेंच वर्ड्स रिलेटिंग टू फैशंस आर एपेरिल, मतलब होता है परिधान को बोलते हैं, APARREL, ड्रेस, कॉस्ट्यूम, गारमेंट, टेलर, मेशन, फर्नीचर, टेबल, चेयर और यहाँ पे क्या है आपका, कारपेंटर एक्सेट्रा। आइए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज तक ये आपका है, मेनी वर्ड्स रिलेटिंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत सारे वर्ड्स किससे लिए गए, रिलेट किससे करता है, संबंध है आर्ट, कला से और आर्किटेक्चर, बनावट से। वर्ड टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया? सब लिया गया देखिए फ्रेंच, मतलब वही है फ्रेंच लोन, फ्रेंच से आके हम लोग लिए हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल क्या है देखिए, आर्ट, ब्यूटी, कलर, डिजाइन, टावर, पिलर, वॉल्ट मतलब गुंबद, चैपल मतलब चर्च, चेयर, पैलेस मतलब होता है महल एक्सेट्रा, सब चीज़ लिए गए हैं किससे? फ्रेंच से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंच लोन वर्ड्स कंटिन्यू टू बी एडॉप्टेड इवन आफ्टर द मिडिल इंग्लिश पीरियड, कब लिया गया था? मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय कंडलाकतर एडॉप्ट हुआ, प्राप्त हुआ। मिडिल इंग्लिश पीरियड बिकेम इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, इंटीग्रल पार्ट था। द फ्रेंच वर्ड्स बोरोड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द कब, 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, कैम टू बी रिस्ट्रिक्टेड, इसे रोका गया था, टू दी वेल एजुकेटेड, अच्छी शिक्षा के लिए, इन यूजर टू द यूजर्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ टेक्निकल टर्म्स में उसे बनाया जाए, ठीक है। लेट अस हाउ लुक एट सम 16वीं सेंचुरी में कैसा लुक हुआ, देखिए फ्रेंच वर्ड्स विच हैव रिमेन्ड इन कॉमन यूज, कॉमन यूज में क्या रहता था, क्या क्या देखिए आपका है, पायलट, सैली, पार्टीशन, कैच मतलब गुप्त भंडार, वॉली, वेस्ट मतलब गुलदान, मोस्टेक,
एंड मशीन एक्सेट्रा। मुश्चिंग मतलब मुछ होता है। सब ये सब क्या है, फ्रेंच वर्ड्स जो रिमेंड किया गया कॉमन यूज के लिए। आइए देखिए, द 17th century इज सिग्निफिकेंट, मतलब होता है महत्वपूर्ण था इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच लॉन्स एज इट वॉज ए पीरियड ऑफ वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच। दोनों में पूरा क्या था, एक जगह पे प्रेप। हेलो फ्रेंड्स, हल्का सा मिस्टेक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आगे द 17th century सिग्निफिकेंट इन द वेरी हिस्ट्री लॉन्च लिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, एज इट वॉज ए पीरियड ऑफ द वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच। देखिए 17th century में क्या बहुत महत्वपूर्ण था, कि बहुत ही क्लोज हो गया था किसके बीच में, आपका बिटवीन इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशंस हो गया। सम नोटेबल्स वर्ड्स ऑफ द 17th century आर ड्रैगन था, पैरोल, रिप्रेजेंट, बुलेट, पर्स, सिलेंस, नेटिव मतलब होता है वहाँ के आवास स्थान को, सूप, ग्रुप, पेंशन एक्सेट्रा, यहाँ पे जो थे मेन चीज़ था आपका। समझना आपको ये है कि 17th century में सिग्निफिकेंट क्या था हिस्ट्री, फ्रेंच लोन्स का ऐसा पीरियड था जिसमें कॉन्टेक्ट बिटवीन था इंग्लिश का और फ्रेंच का। अब देखिए आते हैं हम लोग 18th century को। 18th century वाज अगेन फिर से रिच इन फ्रेंच लोन वर्ड्स, फिर से लोन फ्रेंच हो गया, ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग मिलिट्री टर्म्स। इन दिस सेंचुरी, यह सेंचुरी में सम टर्म्स रिलेटिंग टू डिप्लोमेसी व टेकन ओवर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सेंचुरी ए फ्यू स्पेशल, कुछ समय की सेंचुरी का क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो फ्यू स्पेशल फ्रेंच वर्ड्स के तहत उसे कॉल्ड कहा जाता है फोर्थ ऑफ द फ्रेंच। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है फोर्थ ऑफ बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब एक क्रांति था। फाउंड क्या पाया गया, देयर वे टू इंग्लिश, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्रेंच वर्ड। अभी कुछ कुछ यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए, आइए आते हैं उसमें क्या क्या लिस्ट है वो देखते हैं। देखिए एडॉप्टेड इन 18th century क्या क्या लिया गया, पहला देखिए लिया गया आपका रिजाइन, कॉप्स मतलब होता है लाश, डिपोर्ट, सेलिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड जो आपका आया है डिपोर्ट, आइए हम लोग डिपोर्ट का मतलब समझते हैं, मतलब होता है गोदाम। क्या होता है डिपोर्ट, मतलब होता है गोदाम या कह सकते हैं भंडार, ठीक है, किसका मतलब डिपोर्ट। सैलून, पिकनिक, पुलिस, कैंटीन, देखिए आपको कूप है, ठीक है, कूप मतलब ये होता है आकस्मिक सांस परिवर्तन को बोलते हैं, क्या चीज़ आपका कूप कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे हम लोग इसके बारे में याद करेंगे, और ये आप इम्पोर्टेंट नोट्स को अपने बना सकते हैं कॉपी वगैरह में, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, और ये बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए आते हैं, देखिए द 19th century वाज द क्या था, ये रिचे सबसे अमीर था ऑफ ऑल पीरियड इन फ्रेंच लो, सबसे अमीर था कौन 19th century सिंस मिडिल इंग्लिश टाइम, स्पेशली मतलब खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, कला और लेटर क्षेत्र में एंड फर्नीचर के क्षेत्र में। देखिए अब आते हैं द 19th century बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच, कब लिया गया बोरोविंग्स लिया गया उधार 19th century में फ्रेंच से, मे बी ग्रुप एज जो कि फॉलो ग्रुप बनाया गया। फर्स्ट देखिए आपका है लिटरेचर को मोलिन बोलते हैं साहित्य एंड आर्ट कला, रिज्यूम लिया गया, क्लिक क्या देखिए बोलेंगे रिनाशा तो बोलेंगे रिनेसेंस भी, क्या कहीं कहीं बोला जाता है मीन रिनाशा, बैटन, मैथनी, मोटिव, मैकेवर मतलब होता है भयानक एक्सेट्रा। नंबर देखिए बी है आपका फूड भोजन, क्या है मेनू, सेफ, रेस्टोरेंट, फैंडेंट एक्सेट्रा। नंबर सी देखिए ड्रेस, प्रोसिटी, फीचू, प्रोफाइल, क्रेप, बेर एक्सेट्रा। नंबर डी है मिलिट्री, बैरेज, चेसिस एक्सेट्रा। देखिए आगे लास्ट आपका लास्ट पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच हैज कंटिन्यूड, लगातार इवन इन द कब चलते रहा 20th century में लगातार चलता रहा। एमंग द 20th century बोरोविंग्स वी में मेंशनड सच, कुछ सर्च वर्ड को क्या किया मेंशन करते हैं बताया गया, जैसे आर गैरेज, हैंगर, कैमोफ्लेज एक्सेट्रा। कैमोफ्लेज क्या होता है, देखिए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया, जो कैमोफ्लेज जो है, ठीक है, ये वर्ड ये बहुत ही बड़ा लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन था कि किस किसके दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देखिए यहाँ होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का
1940 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इसमें कुल मिला के 37 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो है वो कैमोफ्लेज बहुत ही ग्रेटेस्ट अपना लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन रखा था कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। आई होप आपको ये फ्रेंच लोन वर्ड्स इंग्लिश में अच्छा लगा होगा वीडियो। इंपॉर्टेंट नोट्स अभी तक लाइक नहीं की, लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।